ऑक्सीमीटर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग। दिस इज अनिमेश एंड यू आर वाचिंग बिजली वाला। सो विदाउट एनी लैग जस्ट टर्न ऑन द पावर सप्लाई एंड स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना इस बार और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अवेयर अबाउट द ऑक्सीमीटर एंड हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो सबसे पहले ऑक्सीमीटर है क्या? ऑक्सीमीटर बेसिकली आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है दैट इज SpO2 लेवल वो बताता है। ऑक्सीमीटर में बेसिकली हम आपकी हार्ट रेट ही बताते हैं बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन द टाइम ऑफ COVID-19 आवर मेन एम्फेसिस इज ऑन ऑक्सीजन। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे पहले कम होना शुरू होती है जिसके पहले सबसे पहले सिम्टम्स हैं कोरोना के। नॉर्मल रेंज क्या होती है ऑक्सीजन की? अगर आपकी बॉडी में 95-100% ऑक्सीजन है दैट मीन्स इट्स 100% नॉर्मल। 90-95 है तो वो अकॉर्डिंग टू द एज तो वो भी सही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब अगर 90% से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम है दैट मीन्स देर आर सम इश्यूज, तो डॉक्टर के यहाँ जाके अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराइए। सो नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक की हाउ ऑक्सीमीटर वर्क्स, ऑक्सीमीटर किस तरीके से वर्क करता है। सो हेयर आई एम हैविंग अ डॉक्टर वाकू ऑक्सीमीटर जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा, अगर आपको सही लगे तो लीजिए। एंड आई विल रिकमेंड पर्सनली इस टाइम पे सबके घर में एक ऑक्सीमीटर तो होना ही चाहिए बिकॉज आपको ऑक्सीजन पे अपना ट्रैक रखना पड़ेगा किस तरीके से आपके ऑक्सीजन आ रहा है। सो बेसिकली यू कैन सी सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में पड़ेगा, आप कौन से फिंगर में इंसर्ट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल फिंगर में सबसे ज़्यादा एज अ रिसर्च हुई है, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मिडिल फिंगर में ही आपको यूज़ करना चाहिए। अब देखिए ये सेचुरेशन बताएगा एंड हार्ट रेट एट द लेस वो बताता है। तो SpO2 लेवल, सो 98% एंड 99% अप्रॉक्स 7 सेकेंड्स के अप्रॉक्स आपको ये रीडिंग्स बताता है कि आपकी क्या रीडिंग आ रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द वर्किंग फिनोमेना एंड द प्रिंसिपल इट्स वर्किंग। अब जैसे ही फिंगर आप इसमें इंसर्ट करने जाएंगे आप ये देखेंगे कि करेक्ट लगे एक लाइट विजिबल हो रही होगी आपको। तो जैसे ही आप अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं तो दैट बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस एंड गोइंग टूवर्ड्स दिस एंड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा एंड यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है, वो रिसीवर इस बीम ऑफ लाइट को अलॉन्ग विद एन इंफ्रारेड ट्रैक करता है एंड यहाँ पे हमारे एक डिस्प्ले में रीडिंग आती है। तो ये कैलिब्रेशन होता है। अब ये कैसे मेजर कर लेता है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। होता है ये है कि हमारे क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन सहित एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रहित। तो जो ऑक्सीजन सहित हीमोग्लोबिन होता है वो इसको ट्रैक करता है। और अब यहाँ तक आ ही गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे विल ऑल्सो गेट टू नो सम वैल्यू फ्रॉम दिस ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।